दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक के रेफरल अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको विड्रॉ करना है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में जो लोगो मिल रहा है, इस लोगो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और योर अर्निंग्स एंड रेफरल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अर्निंग्स का डैशबोर्ड यहाँ पर खुल के आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कितना अर्निंग हुआ है, 600 रुपये का हुआ है और विड्रॉवेबल बैलेंस में आपको 600 रुपये दिख रहा है। तो इसमें से आप जितना भी चाहते हैं उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आपको टेक आउट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टेक आउट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर कर लेना है जितना भी आप यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर से 100 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ, बाकी के पैसे को यहीं पर रहने देना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर अमाउंट इंटर कर लूँगा मैं, तो 100 रुपीज़ मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हो गया है हमारा कन्फर्म और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड हो गया है अपस्टॉक की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज भी आ गया है जिसमें बोल रहा है कि आपके जो लिंक है बैंक अकाउंट, उसी बैंक अकाउंट में पैसा यहाँ पर से ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये इसमें आपको 3 दिन का समय मैक्सिमम लग सकता है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव विड्रॉल्स में 100 रुपये का विड्रॉ लगा हुआ है जो कि 3 दिन में हमारे बैंक अकाउंट तक क्रेडिट हो पाएगा, यहाँ पर ऐसा मैसेज शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अपस्टॉक के रेफरल अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना कितना आसान है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। वर्किंग डेज में काउंट होता है मंडे टू फ्राइडे। अगर आप सैटरडे संडे को अगर विड्रॉ लगाते हो तो आपको सैटरडे संडे को काउंट नहीं करना है, मंडे से काउंट करना है फ्राइडे तक। अगर आप मंडे को विड्रॉ लगाते हो तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे वेडनेसडे तक आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप फ्राइडे को लगाते हो तो आपको सैटरडे संडे काउंट नहीं करना है, फ्राइडे मंडे ट्यूजडे तो आपका ट्यूजडे को क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपको काउंट करना है, सैटरडे संडे को आपको काउंट नहीं करना है। तो इस तरह से आप वर्किंग डेज को काउंट करेंगे और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन तक के अगर अंदर आपके बैंक अकाउंट तक अगर पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, क्रेडिट नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन और डिले हो जाता है। यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि कोई टेक्निकल इरर होता रहता है या टेक्निकल इरर चलता रहता है, तो वहाँ पर इस वजह से डिले हो जाता है थोड़ा सा। तो इसके लिए आपको कस्टमर केयर में सपोर्ट लेना पड़ेगा, कस्टमर केयर में कॉल करके बताना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो 100% सेव है, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगा, आपको यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि हड़बड़ा जाते हैं, पैसा 1-2 दिन डिले हो जाता है तो लोग को लगता है कि ये फेक है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पैसा पूरा 100% सेफ है, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।